हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना दबोग गाय गौरव सैनी। और आज जिस कहानी के बारे में हम बात करने वाले हैं, वो कहानी उनकी है जिन्होंने साहित्य के क्षेत्र में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जी हां, मुंशी प्रेमचंद, जिनका नाम धनपत राय था। मुंशी जी का जन्म 31 जुलाई सन 1880 में बनारस के पास लम्ही नामक गाँव में हुआ था। मुंशी जी ने अपना जीवन साहित्य के प्रति समर्पित कर दिया था। उन्हें महान उपन्यासकार, कथाकार और बहुत सी उपाधियों से सम्मानित किया गया। 8 अक्टूबर सन 1936 को मुंशी जी का बीमारी के कारण निधन हो गया। तो ऐसे ही महान उपन्यासकार, साहित्यकार, कहानीकार मुंशी प्रेमचंद की कहानी में आज आप सभी के सामने सुनाने जा रहा हूँ। कहानी का नाम है शंखनाद। भानु चौधरी अपने गांव के मुखिया थे। गांव में उनका बड़ा सम्मान था। दरोगा जी उन्हें बिना टाट जमीन पर न बैठने देते थे। मुखिया साहब की ऐसी धाक बंधी हुई थी कि उनकी मर्जी के बिना गांव में एक पत्ता भी नहीं हिल सकता था। कोई घटना, चाहे वह सास बहू का विवाद हो, चाहे मेड़ या खेत का झगड़ा, चौधरी साहब के शासन अधिकारी को पूर्ण रूप से सचेत करने के लिए ही काफी थी। वह तुरंत घटनास्थल पर पहुंचते, तहकीकात होने लगती। गवाह और सबूत के सिवा किसी अभियोग को सफलता सहित चलाने में जिन बातों की जरूरत होती है, उन सब पर विचार होता और चौधरी जी के दरबार से फैसला हो जाता। किसी को अदालत जाने की जरूरत न पड़ी। हाँ, कष्ट के लिए चौधरी साहब कुछ फीस जरूर लेते थे। यदि किसी अवसर पर फीस मिलने में असुविधा के कारण उन्हें धीरज से काम लेना पड़ता तो गाँव में आफत मच जाती थी, क्योंकि उनके धीरज और दरोगा जी के क्रोध में कोई घनिष्ठ संबंध था। चौधरी महाशय के 3 सुयोग्य पुत्र थे। बड़े लड़के बितान एक सुशिक्षित मनुष्य थे, डाकिये के रजिस्टर पर दस्तखत कर देते थे। बड़े अनुभवी, बड़े नीति कुशल, मिर्जई की जगह कमीज पहनते, कभी कभी सिगरेट भी पीते, जिससे उनका गौरव बढ़ता था। यद्यपि उनके ये दुर्व्यसन बूढ़े चौधरी को नापसंद थे, पर बेचारे विवश थे, क्योंकि अदालत और कानून के मामले बितान के हाथों में थे। वह कानून का पुतला था। कानून की दफाएं उसकी जबान पर रखी रहती थी। गवाह पढ़ने में वह पूरा उस्ताद था। मझले लड़के शान चौधरी कृषि विभाग के अधिकारी थे। बुद्धि से मंद, लेकिन शरीर से बड़े परिश्रमी। जहां घास न जमती हो, वहां केसर जमा दे। तीसरे लड़के का नाम गुमान था। वह बड़ा रसिक, साथ ही उद्वंड भी था। मुहर्रम के ढोल इतने जोर से बजाता था कि कान के पर्दे फट जाते। मछली फंसाने का बड़ा शौकीन था। बड़ा रंगीला जवान था। खंजड़ी बजा बजा कर वह मीठे स्वर से ख्याल गाता तो रंग जम जाता। उसे दंगल का ऐसा शौक था कि कोसों तक धावा मारता। पर घरवाले कुछ ऐसे शुष्क थे कि उसके इन व्यसनों से तनिक भी सहानुभूति न रखते थे। पिता और भाइयों ने तो उसे ऊसर खेत समझ रखा था। घुड़की, धमकी, शिक्षा और उपदेश, स्नेह और विनय, किसी का भी उस पर कुछ भी असर नहीं हुआ। हाँ, भावजे अब तक उसकी ओर से निराश न हुई थी। वे अभी तक उसे कड़वी दवाइयाँ पिलाई जाती थी, पर आलस्य तो वह राजरोग है जिसका रोगी कभी नहीं संभलता। ऐसा कोई बिरला ही दिन जाता होगा कि बांका गुमान को भावजों के कटु वाक्य न सुनने पड़ते हों। ये विषैले शर कभी कभी उसके कठोर हृदय में चुभ जाते, किंतु यह घाव रात भर से अधिक न रहता। भोर होते ही थकान के साथ ही यह पीड़ा भी शांत हो जाती। तड़का हुआ उसने हाथ मुंह धोया, बंशी उठाई और तालाब की ओर चल खड़ा हुआ। भावजे फूलों की वर्षा किया करती, बूढ़े चौधरी पैंतरे बदलते रहते और भाई लोग तीखी निगाह से देखा करते, पर अपनी धुन का पूरा बांका गुमान उन लोगों के बीच से इस तरह अकड़ता चला जाता जैसे कोई मस्त हाथी कुत्तों के बीच से निकल जाता है। उसे सुमार्ग पर लाने के लिए क्या क्या उपाय नहीं किए गए। बाप समझाता, बेटा ऐसी राह चलो जिससे तुम्हें भी पैसे मिलें और गृहस्थी का भी निर्वाह हो। भाइयों के भरोसे कब तक रहोगे? मैं पका आम हूँ, आज टपक पड़ा या कल, फिर तुम्हारा निभाह कैसे होगा? भाई बात की न पूछेंगे, भावजों का रंग तो देख ही रहे हो, तुम्हारे भी लड़के हैं, उनका भार कैसे संभालोगे? खेती में जी न लगे, काष्टी बिल्ली में भर्ती करा दूं? बांका गुमान खड़ा खड़ा यह सब सुनता, लेकिन पत्थर का देवता था, कभी न पसीजता। इन महाशय के अत्याचार का दंड उसकी बेचारी स्त्री को भोगना पड़ता था। मेहनत के घर के जितने काम होते,
वे उसी के सिर थोपे जाते। उपले पाती, कुएं से पानी लाती, आटा पीसती और तिस पर भी जेठानियां सीधे मुंह बात न करती, वाक्य बाणों से छेदा करती। एक बार जब वह पति से कई दिन रूठी रही तो बाके गुमान कुछ नर्म हुए। बाप से जाकर बोले, मुझे कोई दुकान खुलवा दीजिए। चौधरी ने परमात्मा को धन्यवाद दिया, फूले न समाए। कई सौ रुपये लगाकर कपड़े की दुकान खुलवा दी। गुमान के भाग जागे, तंजेब के चुन्नटदार कुर्ते बनवाए, मलमल का साफा धानी रंग में बनवाया। सौदा बिके या ना बिके, उसे लाभ ही होना था। दुकान खुली हुई है, 10-5 गाढ़े मित्र जमे हुए हैं, चरस का दम और ख्याल की ताने उड़ रही हैं। चल झपटरी, जमुना तटरी, खड़ो नटखटरी। इस तरह 3 महीने चैन से कटे। बाके गुमान ने खूब दिल खोल कर अरमान निकाले, यहाँ तक कि सारी लागत लाभ हो गई। टाट के टुकड़े के सिवा और कुछ न बचा। बूढ़े चौधरी कुएं में गिरने चले। भावजों ने घोर आंदोलन मचारा, अरे राम, हमारे बच्चे और हम चीथड़ों को तरसे, गाड़े का एक कुर्ता भी नसीब ना हो, और इतनी बड़ी दुकान इस निखट्टू का कफन बन गई। अब कौन मुंह दिखाएगा, कौन मुंह लेकर इस घर में पैर रखेगा। किंतु बाके गुमान के तेवर जरा भी मैले ना हुए। वही मुंह लिए फिर घर आया और फिर वही पुरानी चाल चलने लगा। कानूनदा बितान उनके ये ठाट बाट देखकर जल जाता। मैं सारे दिन पसीना बहाऊं, मुझे नैन सुख का कुर्ता भी ना मिले, और यह अपाहिज सारे दिन चारपाई तोड़े और यूं बंठन कर निकले। ऐसे वस्त्र तो शायद मुझे अपने ब्याह में भी ना मिले होंगे। मीठे शान के हृदय में भी कुछ ऐसे ही विचार उठते थे। अंत में यह जलन सही न गई और अग्नि भड़क उठी। तो एक दिन कानूनदा बितान की पत्नी गुमान के सारे कपड़े उठा लाई और उन पर मिट्टी का तेल उड़ेर कर आग लगा दी। ज्वाला उठी, सारे कपड़े देखते देखते जलकर राख हो गए। गुमान रोते रहे, दोनों भाई खड़े तमाशा देखते रहे। बूढ़े चौधरी ने यह दृश्य देखा तो सिर पीट लिया, यह द्वेषाग्नि है, घर को जलाकर बुझेगी। यह ज्वाला तो थोड़ी देर में शांत हो गई, परंतु हृदय की आग ज्यों की त्यों दहकती रही। अंत में एक दिन बूढ़े चौधरी ने घर के सब मेंबरों को एकत्र किया और गूढ़ विषय पर विचार करने लगी कि बेड़ा कैसे पार हो। बितान से बोले, बेटा तुमने आज देखा कि बात ही बात में सैकड़ों रुपयों पर पानी फिर गया। अब इस तरह निर्वाह करना तो असंभव है, तुम समझदार हो, मुकदमे मामले करते हो, कोई ऐसी राह निकालो कि घर डूबने से बचे। मैं तो चाहता था कि जब तक चोला रहे सबको समेटे रहूं, मगर भगवान के मन में कुछ और ही है। बितान की नीति कुशलता अपनी चतुर सहगामिनी के सामने लुप्त हो जाती थी। वह अभी उसका उत्तर सोच ही रहे होते हैं कि श्रीमती जी बोल उठी, दादाजी अब समझाने बुझाने से काम नहीं चलेगा। सहते सहते हमारा कलेजा पक गया। बेटे की जितनी पीर बाप की होगी, भाइयों की उतनी क्या, उसकी आधी भी नहीं हो सकती। मैं तो साफ कहती हूँ, गुमान को तुम्हारी कमाई में हक है, उन्हें कंचन के कौर खिलाओ और चांदी के हिडोलों में सुलाओ। हम में न इतना बूता है और न कलेजा, हम अपनी झोंपड़ी अलग बना लेंगे। हाँ, जो कुछ हमारा हो वो हमको मिलना चाहिए, बांट बखरा कर दीजिए। बला से 4 आदमी हंसेंगे, अब कहाँ तक दुनिया की लाज ढोवें। नीतिज्ञ बितान पर इस प्रबल वक्तृता का जो असर हुआ वह उसके विकसित और प्रमुदित चेहरे से झलक रहा था। उसमें स्वयं इतना साहस न था कि इस प्रस्ताव को इतनी स्पष्टता से व्यक्त कर सकता। नीतिज्ञ महाशय गंभीरता से बोले, जायदाद मुश्तरका, मनकुला या गैर मनकुला, आपके हीन हयात तकसीम की जा सकती है, इसकी नज़ीरें मौजूद हैं। जमींदार को साकितुल मिल्कियत करने में कोई इस्तहाक नहीं है। अब मंदबुद्धि शान की बारी आई, पर बेचारा किसान बैलों के पीछे आंखें बंद करके चलने वाला ऐसे गूढ़ विषय पर कैसे मुंह खोलता, दुविधा में पड़ा हुआ था। तब उसकी सत्यवक्ता धर्मपत्नी ने जेठानी का अनुसरण कर यह कठिन कार्य संपन्न किया। बोली, बड़ी बहन ने जो कुछ कहा उसके सिवा और दूसरा उपाय नहीं। कोई तो कलेजा तोड़ तोड़ कर कमाए, मगर पैसे को तरसे, तन ढांकने को वस्त्र तक ना मिले, और कोई सुख की नींद सोए, हाथ बड़ा बड़ा के खाए। ऐसी अंधेर नगरी में अब हमारा निभा न होगा। शान चौधरी ने भी इस प्रस्ताव का मुक्त कंठ से अनुमोदन किया। अब बूढ़े चौधरी गुमान से बोले, क्यों बेटा, तुम्हें भी यह मंजूर है, अभी कुछ नहीं बिगड़ा, यह आग अब भी बुझ सकती है, काम सबको प्यारा है, चाम किसी को नहीं, बोलो क्या कहते हो।
कुछ काम धंधा करोगे या अभी आंखें नहीं खुली? गुमान में धैर्य की कमी न थी। बातों को इस कान से सुनकर उस कान से उड़ा देना उसके नित्य कर्म था, किंतु भाइयों की इस जन मुरीदी पर उसे क्रोध आ गया। बोला, भाइयों की जो इच्छा है वही मेरे मन में भी लगी हुई है। मैं भी इस जंजाल से भागना चाहता हूँ। मुझसे ना मजूरी हुई न होगी। जिसके भाग्य में चिक्की पीसना बदा हो वह पीसे। मेरे भाग्य में चैन करना लिखा है, मैं क्यों अपना सिर ओखली में दूं? मैं तो किसी से काम करने को नहीं कहता। आप क्यों लोग मेरे पीछे पड़े हुए हैं? अपनी अपनी फिक्र कीजिए, मुझे आधा सेर आटे की कमी नहीं है। इस तरह की सभाएं कितनी बार हो चुकी थी, परंतु इस देश की सामाजिक और राजनीतिक सभाओं से इसमें कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता था। दो तीन दिन गुमान ने घर पर खाना नहीं खाया। जतन सिंह ठाकुर शौकीन आदमी थे, उन्हीं की चौपाल में पड़ा रहता। अंत में बूढ़े चौधरी गए और मना कर लाए। अब फिर वही पुरानी गाड़ी अड़ती मचलती हिलती हुई चलने लगी। पांडे घर के चूहों की तरह चौधरी घर में बच्चे भी सयाने थे। उनके लिए घोड़े, मिट्टी के घोड़े और नावें कागज की नावें थीं। फलों के विषय में उनका ज्ञान असीम था। गूलर और जंगली बेर के सिवा कोई ऐसा फल न था जिससे बीमारियों का घर न समझते हों। लेकिन गुरदीन के खोंचे से ऐसा प्रबल आकर्षण था कि उसकी ललकार सुनते ही उनका सारा ज्ञान व्यर्थ हो जाता था। साधारण बच्चों की तरह यदि सोते भी हों तो चौंक पड़ते थे। वह गांव में साप्ताहिक फेरे लगाता था। उसके शुभागमन की प्रतीक्षा और आकांक्षा में कितने ही बालकों ने बिना किंडरगार्टन की रंगीन गोलियों के ही संख्याएं और दिनों के नाम याद हो गए थे। गुल्लीन बूढ़ा सा मैला कुचला आदमी था, किंतु आसपास में उसका नाम उपद्रवी लड़कों के लिए हनुमान मंत्र से कम न था। उसकी आवाज़ सुनते ही उसके खोंचों पर लड़कों का ऐसा धावा होता कि मक्खियों की असंख्य सेना को रणस्थल से भागना पड़ता था। और जहाँ बच्चों के लिए मिठाइयाँ थीं, वहाँ गुल्लीन के पास माताओं के लिए इससे भी ज़्यादा मीठी बातें थीं। माँ कितना ही मना करती रहे, बार बार पैसा न रखने का बहाना करे, पर गुल्लीन चटपट मिठाइयों का दोना बच्चों के हाथ में रख ही देता और स्नेहपूर्ण भाव से कहता, बहूजी पैसे की चिंता ना करो, फिर मिलते रहेंगे, कहीं भागे थोड़ी जाते हैं। नारायण ने तुमको बच्चे दिए हैं तो मुझे भी उनको नौछावर मिल ही जाती है। उन्हीं की बदौलत मेरे बाल बच्चे भी जीते हैं। अभी क्या, ईश्वर इनका मोर तो दिखावे, फिर देखना कैसा ठगनन करता हूँ। गुरदीन का यह व्यवहार चाहे वाणिज्य नियमों के प्रतिकूल ही क्यों ना हो, चाहे 100 नगद सही 13 उधार नहीं वाली कहावत अनुभव सिद्ध ही क्यों ना हो, किंतु निष्ठाभाषी गुरदीन को कभी इस व्यवहार पर पछताने या उसमें संशोधन करने की जरूरत नहीं हुई। मंगल का शुभ दिन था। बच्चे बड़े बेचैनी से अपने दरवाजे के पास गुरदीन की राह देख रहे थे। कई उत्साही लड़के पेड़ पर चढ़ गए और कोई कोई अनुराग से विवश होकर गांव के बाहर निकल गए थे। सूर्य भगवान अपना सुनहला गा लिए पूरब से पश्चिम जा पहुंचे थे। इतने में ही गुरदीन आता हुआ दिखाई दिया। लड़कों ने दौड़कर उसका दामन पकड़ा और आपस में खींचतानी होने लगी। कोई कहता था मेरे घर चलो, कोई अपने घर का न्योता देता था। सबसे पहले भानु चौधरी का मकान पड़ा। गुरदीन ने अपना खोंचा उतार दिया। मिठाइयों की लूट शुरू हो गई। बालकों और स्त्रियों को ठट लग गया था। हर्ष और विषाद, संतोष और लोभ, ईर्ष्या और शोक, द्वेष और जलन की नाट्यशाला सज गई। कानूनदा बितान की पत्नी अपने तीनों लड़कों को लिए हुए निकली। शान की पत्नी भी अपने दोनों लड़कों के साथ उपस्थित हुई। गुरदीन ने मीठी बातें करनी शुरू की, पैसे झोली में रखे, ढेले की मिठाई दी और ढेले का आशीर्वाद। लड़के दाने लिए उछलते कूदते घर में दाखिल हुए। अगर सारे गांव में कोई ऐसा बालक था जिसने गुरदीन की उदारता से लाभ उठाया हो तो वह बांके गुमान का लड़का धन था। यह कठिन था कि बालक धन अपने भाइयों बहनों को हंस हंस कर उछल कूद कर मिठाइयाँ खाते देख कर सब्र कर जाए। उस पर तुर्रा यह कि वे उसे मिठाइयाँ दिखा दिखा कर ललचाते और चिढ़ाते थे। बेचारा धन चीखता और अपनी माता का आंचल पकड़ पकड़ कर दरवाजे की तरफ खींचता था। पर वह अबला क्या करे, उसका हृदय बच्चे के लिए ऐंठ ऐंठ कर रह जाता था। उसके पास एक पैसा नहीं था। अपने दुर्भाग्य पर, जेठानियों की निष्ठुरता पर और सबसे ज़्यादा अपने पति के निखट्टूपन पर कूड़ कूड़ कर रह जाती थी। अपना आदमी ऐसा निकम्मा न होता तो क्यों दूसरों को मुँह देखना पड़ता, क्यों दूसरों के धक्के खाने पड़े। उठा लिया और प्यार से दिलासा देने लगी, बेटा रो मत,
अब की गुरुदीन आवेगा तो तुम्हें बहुत सी मिठाई दे दूंगी। मैं इससे अच्छी मिठाई बाजार से मंगवा दूंगी। तुम कितनी मिठाई खाओगे? यह कहते कहते उसकी आंखें भर आई। आह, यह मनुष्य मंगल आज ही फिर आवेगा और फिर ये ही बहाने करने पड़ेंगे। हाय, अपना प्यारा बच्चा ढेले की मिठाई को तरसे और घर में किसी का पत्थर सा कलेजा न पसीजे। वह बेचारी तो इन चिंताओं में डूबी हुई थी और धन किसी तरह चुप ही न होता था। जब कुछ वश न होता तो माँ की गोदी से जमीन पर उतर कर लौटने लगा और रो रो कर दुनिया सिर पर उठा ली। माँ ने बहुत बहलाया फुसलाया, यहाँ तक कि उस बच्चे की इस हट पर क्रोध भी आ गया था। मानव हृदय के रहस्य कभी समझ में नहीं आते। कहाँ तो बच्चे को प्यार से चिपटाती थी, ऐसी झल्लाई कि उसे 2-3 थप्पड़ जोर से लगाए और घुड़कर बोली, चुप रह अब आगे, तेरा ही मुंह मिठाई खाने का है। अपने दिन को नहीं रोता, मिठाई खाने चला है। बाका गुमान अपनी कोठरी के द्वार पर बैठा था। यह कौतुब बड़े ध्यान से देख रहा था। वह इस बच्चे को बहुत चाहता था। इस वक्त के थप्पड़ उसके हृदय में तेज भाले के समान लगे और चुप गया। शायद उसका अभिप्राय भी यही था। धनिया रुई को धुनने के लिए तांत पर चोट लगाता है। जिस तरह पत्थर और पानी में आग छिपी रहती है, उसी तरह मनुष्य के हृदय में भी, चाहे वह कैसा ही क्रूर और कठोर क्यों ना हो, उत्कृष्ट और कोमल भाव छिपे रहते हैं। गुमान की आंखें भर आई। आंसू की बूंदें बहुधा हमारे हृदय की मलिनता को उज्ज्वल कर देती हैं। गुमान सचेत हो गया। उसने जाकर बच्चे को गोद में उठा लिया। अपनी पत्नी से करुण उत्पादक स्वर में बोला, बच्चे पर इतना क्रोध क्यों करती हो? तुम्हारा दोषी मैं हूँ। मुझको जो दंड देना चाहो, परमात्मा ने चाहा तो कल से लोग इस घर में मेरा और मेरे बाल बच्चों का भी आदर करेंगे। तुमने आज मुझे सदा के लिए इस तरह जगा दिया, मानो मेरे कानों में शंख नाद कर मुझे मेरा कर्म पथ में प्रवेश करने का उपदेश दे दिया हो। तो ये कहानी थी मुंशी प्रेमचंद्र की, शंखनाद। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।